नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रहे तेजस्वी यादव अब बिहार के बाहर झारखंड में, जहां आरजेडी के सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं अब तेजस्वी यादव की नजर बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में है, जहां पर आने वाले वक्त में होने वाले किस तरीके से तेजस्वी यादव ने ममता दीदी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में मचे घमासान के बाद अब फिर से राज्य में चुनावी माहौल बनने जा रहा है। कोलकाता और हावड़ा के दो नगर निगमों सहित 112 शहरी निकायों के लिए लंबित चुनाव दिसंबर में कराए जाने का संकेत राज्य चुनाव आयोग ने दिया है। 30 अक्टूबर के बाद अधिसूचना जारी की जा सकती है। बता दें कि एक साथ इतने अधिक निकायों के चुनाव होने के कारण यह चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी पश्चिम बंगाल के म्युनिसिपल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीते 16 अक्टूबर को बंगाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बिंदा राय ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो बिंदा राय ने एक लिस्ट तेजस्वी यादव को दी है, जिसमें बताया गया है कि बंगाल आरजेडी निकाय चुनाव में कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ने बिंदा राय को इतना ही कहा कि अभी बिहार उपचुनाव के बाद इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बिंदा राय जल्द तेजस्वी यादव से मिलने वाले हैं। वहीं फोन पर बिंदा राय ने न्यूज़ फाउंडेशन से बातचीत में बताया कि बंगाल में आरजेडी और टीएमसी मिलकर निकाय चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगी, अभी ये तय होना है। गौरतलब है कि आरजेडी के जनाधार को तेजस्वी यादव लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। झारखंड में तो तेजस्वी यादव हर महीने दौरा करते हैं। यूपी की बात करें तो चुनाव में आरजेडी का झंडा वहां भी दिखने लगा है, और अब बंगाल निकाय चुनाव में भी वो उतरने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव अगर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में लड़ते हैं तो वहां पर शहरी इलाकों में वो अपने उन वोटरों को साथ रखते हैं जो कि हिंदी भाषी हैं, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी प्रकार से जो है टीएमसी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहा है। तो तेजस्वी यादव उस एक तरीके से कहे कि बीजेपी की सिंधमारी को रोकने में वहाँ पर अहम किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोग बड़ी संख्या में हावड़ा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता जैसे शहरी इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर ये चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों में अगर वहाँ पर आरजेडी होगी तो जाहिर तौर पर बिहारी लोग तेजस्वी यादव के नाम पर वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव लगातार आरजेडी के विस्तार पर फोकस किए हुए हैं। असम से लेकर के झारखंड और बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर आरजेडी पूरी तरीके से अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव अब जहां हर महीने के एक दिन झारखंड के किसी एक ज़िले में किसी विधानसभा में होते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, उनको समर्थन दे रखा है। अखिलेश यादव के लिए तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी अखिलेश यादव को जिताने के लिए वहाँ पर काम करेगी। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव बिहार के बाद झारखंड, वहां से निकल करके उत्तर प्रदेश और अब पश्चिम बंगाल में दीदी के साथ अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।